ये वीडियो मैं बहुत सोचने के बाद में बना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑडिट आंसर शीट का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं क्यों मैंने इतना सोचा इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरे मार्क्स ऑडिट में 53 मार्क्स आए हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं कोई AIR 1 नहीं हूँ या ऐसी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ जिसके 90 अबव मार्क्स आए हैं। पता नहीं आपको इस आंसर शीट को देखने के बाद कुछ आपको सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैंने ये सोचा कि आपको यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे आंसर शीट्स मिल जाएंगे जिनके 90 अबव है या जिनके AIR 1 है। ऑफकोर्स आपको उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, बट एक एवरेज स्टूडेंट के आंसर शीट शायद ही कोई अपलोड करता होगा या शायद ही कोई उसका रिव्यू करता होगा। बट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 23 मार्क्स आए थे ऑडिट में, और नवम 23 अटैम्प्ट में 53 मार्क्स आए थे। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं गॉड से प्रे करती थी कि बस मुझे 40 मार्क्स चाहिए, भगवान मुझे सिर्फ 40 मार्क्स दिलवा दो, बाकी के एग्रीगेट में मैं दूसरे सब्जेक्ट से ले लूँगी। ऑडिट और टैक्सेशन मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा डर लगता था। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट था, देखा जहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ 40 की, वहाँ पे मेरे 53 मार्क्स आए। तो मैं ये देखना चाहती थी कि ऐसा क्या उखाड़ लिया मैंने एग्जाम में आंसर शीट में, और ऐसी क्या गलती है जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है बट AIR 1 नहीं करता है, जैसे 90 अबव होते वो नहीं करता है। मेन फोकस जो है मेरा इस पे रहेगा कि ऐसी क्या गलती मैंने करी है जिससे आप सीख सको कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक जिसका 90 अबव मार्क्स आते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हर किसी की AIR 1 नहीं आ सकती, हर किसी का 90 अबव मार्क्स नहीं हो सकता है। तो आप एक एवरेज स्टूडेंट के आंसर से देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एवरेज कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। आप ऐसी क्या गलती कर जाते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा क्या गलती कर जाता है जिसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे आंसर शीट को देखिए, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। आप देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिस वजह से हम उतना आंसर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई मिस्टेक लगती है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, तो आप कमेंट कर दीजिए। सो दिस इज माई आंसर शीट ऑफ ऑडिट एंड इंश्योरेंस, विच इज माई पेपर नंबर 6। सो लेट मी जूम इट फर्स्ट फॉर यू सो दैट यू कैन इजिली विजिबल टू यू। आई थिंक इट्स नाउ विजिबल। ओके, एज यू नो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है और 70 मार्क्स आपका अदर क्वेश्चन होता है, मीन थ्योरेटिकल होता है, जिसमें से आउट ऑफ विच आई हैव स्कोर्ड ओनली 27 मार्क्स। आई नो इट्स वेरी लेस, बट ओके आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई एम पास, एट लीस्ट आई एम पास। ओके, सो 27 मार्क्स आई हैव स्कोर्ड एंड आई हैव टोटल आई हैव स्कोर्ड 53 मार्क्स। इट मीन्स ऑलमोस्ट 26 मार्क्स आई हैव स्कोर्ड इन द एमसीक्यू पोर्शन, विच इज़ प्रीटी गुड। ओके, 26 मार्क्स मैंने एमसीक्यू में स्कोर किया है। एमसीक्यू मेरा अच्छा जा रहा है, मेरे टेक्स्ट में भी एमसीक्यू अच्छा गया है। एमसीक्यू अच्छा गया क्योंकि आपको कुछ लिखना नहीं होता है, आपको आपका आंसर आया बस टिक टिक करते जाओ, बस आपको आंसर पता है, आपके मार्क्स आंसर से नहीं पता नहीं। मैं प्रेजेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाती, मेरे को लिखना उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं एमसीक्यू में ज़्यादा स्कोर कर पाती हूँ। सो इसमें मैंने 27 मार्क्स स्कोर किए, तो देखते हैं क्या उखाड़ा है मैंने, क्यों मेरे को 27 मार्क्स दिए। चलिए देखते, ये आपका OMR शीट होता है जो आपको फिल करनी होती है, कुछ डिटेल्स है, 13 नवंबर 2023 में गया था। देखते हैं मेरा आंसर शीट, आई एम एक्साइटेड। ओके, तो मैंने आंसर्स पीछे से शुरू किए हैं। हाँ, ये तो सभी टीचर्स बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि आपको जो आंसर्स पहले आता है वो आप पहले कर लीजिए, भले वो कोई भी आंसर्स हो। ऑडिट में तो वैसे मैं 40 रहती थी, तो आगे का तो देखते ही मैं डर जाती थी, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने पीछे से शुरू किया, तो पीछे के मुझे आते थे, तो चलो मैंने शुरू कर दिया पीछे से। ये एक चीज़ है जो मैंने स्कूल टाइम से करते आ रही, मेरी टीचर ने तारीफ भी करी थी इसके लिए, कि आप ऐसे बॉक्स में बना के जो लिखते हैं इससे ना विजुअल होता है कि आपका आंसर ये कौन था, तो चेकर को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। ओके, चेकर को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है कि आप ये कौन सा आंसर, ढूंढना नहीं पड़ता कि आंसर कौन सा है। ये रहा आपका जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, AIR 1 थी किसी वीडियो में थी, ऐसे कम मार्क्स नहीं आए थे उसके। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं चाहती थी इसके बीच में भी मार्क्स वो छोड़ देती, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। ओके इट्स ओके, ये आंसर 6 ही है, आपको देखा था आंसर B में, मैंने कितना सा लिखा है, मुझे और इसमें लिखना चाहिए था। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सी में लगे, आप कोई आंसर इतना छोड़ेंगे, पर ये था कम से कम एटलीस्ट 5 मार्क्स का था, तो आप इतना नहीं लिख सकते थे, पर मुझे जितना आता था मैंने लिख दिया, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले। हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मुझे पता है इसमें मुझे वर्क करना है, बट लिटरली मुझे लिखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए शायद, बट ओके आई विल वर्क ऑन दैट मैटर। फिर यहाँ पे 6 ही है, उसमें भी मुझे सिर्फ 1 मार्क्स मिले हैं 6 में, देखिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखती, पता नहीं मैं ज़्यादा क्यों नहीं लिखती हूँ, मैंने ना तो मैंने कोई ऐसे कोट किया है भाई, ये भी है ना, पढ़ के नहीं जाओगे तो कितना भी अच्छे से प्रेजेंटेशन कर लो कोई मार्क्स नहीं देगा उतना, बट मैं पढ़ के जाती थी, पढ़ के जाती थी, बट ये नहीं कि डर भी तो होता है, मेरे को डर बहुत लगता है, इसलिए पता नहीं मुझे समझ नहीं आता थियोरी सब्जेक्ट, बहुत डर लगता था मुझे। ये 6A है, इसमें भी मुझे 1 मार्क्स मिले हैं, इसमें मुझे पूरे 6 में जो 6 क्वेश्चन में सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं, देख रहे हो क्या उखाड़ा है मैंने इस एग्जाम में। फिर 5D आ जाता है, पीछे से मैंने शुरू किया 6 के बाद 5 आ रहा है, 5D में 1 मार्क्स मिला, इसमें तो बहुत लिखा है मैंने कुछ, बट गलत है। फिर आपका 5C आ जाता है, 5C में भी मेरे कुछ गलत है, बट कुछ ये वाला पॉइंट भी मेरा सही है, जिसकी वजह से मेरे को 1 मार्क्स मिल गए,
फिफ्थ सी में मेरे को फिफ्थ स्टेप टू के 2 मार्क्स मिले हैं, फिफ्थ सी में मेरे को 3 मार्क्स मिले हैं। ये देखो मैंने यहाँ यहाँ से ना मार्क्स को इकट्ठे किए। एक बार और कि ऑडिट में मैं 100% सिलेबस करके नहीं गई थी, सिर्फ 70% ही किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में गलती कर दी थी कि मैं सिर्फ सिलेबस को खत्म करने में लगी हुई थी। तो मैंने इस बार मैंने नवंबर 23 में मैंने ये डिसीजन बना लिया था कि मैं जितना पढ़ूंगी अच्छे से पढ़ूंगी, सिर्फ 70% ही मैंने पढ़ा था, पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया था। ऑल द आई हैव अटेम्प्ट ऑल द 100 मार्क्स ऑफ द पेपर, क्योंकि मुझे जितना था मैंने कर दिया था, जो मुझे समझ में आया मैंने बाकी 30% ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए होंगे उसको मैंने अपने दिमाग लगा करते 1 मार्क्स तो मिल गए होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने अपना लॉजिक लगा के कर दिया था। फिर बी में मेरे को बस 2 मार्क्स मिले, फिर यहाँ पे फिफ्थ ए में भी मुझे फर्स्ट स्टेप में 1 मार्क्स मिले, स्टेप टू में 1 मार्क्स मिले, फिर 2 मार्क्स मिले, मतलब 5 में मेरे टोटल 8 मार्क्स मुझे मिले। मैंने यहाँ मैं समझ गई मैं आंसर शीट मेरा कैसा है कि मैंने यहाँ यहाँ से ना आंसर को मार्क्स को नहीं इकट्ठे किए, ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें मुझे पूरे मार्क्स मिल गए, कि ट्रू एंड फॉल्स जो है इसमें मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं, फर्स्ट में सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो कि आप यहाँ पे ट्रू लिखो यहाँ पे रीजन लिखते हो, बट यहाँ मैंने यहाँ पे 3 में लिखा है, तो अच्छे से देखो मैंने रीजन लिखना ही छोड़ दिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया। वहाँ पे आपका माइंड भी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखे भी जाते हो कि आपने को ऐसे प्रेजेंट करना ये करना, बट वहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपका एग्जाम हो जाता है, आपको ये रहता है कि कुछ छुटना नहीं चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। तो मेरे को इसमें 3 मार्क्स मिले हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है मेरा ट्रू एंड फॉल्स इतना अच्छा नहीं है, एमसीक्यू ठीक है मेरा ट्रू एंड फॉल्स इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे इसमें 3 मार्क्स मिले हैं। मैंने बस मार्क्स को इकट्ठा करना है, मतलब यहाँ से थोड़े मार्क्स लिए, यहाँ से थोड़े मार्क्स लिए हैं, इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, 4A में स्टेप 1 के 4 मार्क्स मिले हैं, हाँ 4 मार्क्स मिले हैं, फिर स्टेप फिर टोटल मुझे 4A में 4 मार्क्स मिले, ठीक है। तो फिर मेरा ये फोर्थ डी है, डी में भी स्टेप 1 में 1 मार्क्स मिले हैं, स्टेप 2 में 2 मार्क्स मिले हैं, फिर 4D में पूरा मुझे 3 मार्क्स मिले हैं, ओके। सो फिर 2B में स्टेप 1 में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, मैंने पीछे से शुरू किया है, फिर 2B में मेरे को पूरे 2 मार्क्स मिले हैं, स्टेप आंसर 2A में मेरे को 1 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिले। तो ये सबसे मैं थोड़ा सा यही फायदा होता है कि आप अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो ना और आपने आपका कोई एक स्टेप भी सही है तो आपको 1-1 मार्क्स मिल जाता है, आपको 1-1 मार्क्स वो फिर आपको एग्रीगेट में हेल्प करता है कि आप 40 तक पहुँच पाओ। फिर यहाँ पे 4C में मुझे 1 मार्क्स मिले हैं, मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ 70% सिलेबस अभी गई थी, बट मैंने अटैम्प्ट 100 मार्क्स का किया था, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, मेरी कोशिश भी रहती कि वो नहीं छोड़ते, वो तो मुझे पूरा 9 मार्क्स मिला है, छोड़ते नहीं थे क्योंकि ठीक है जितना आता है उतना कर लेते। ये अच्छी चीज़ है रिजल्ट ओवरव्यू, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने में कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 में टोटल मैक्सिमम 14 मार्क्स का था और मैंने सिर्फ 3 मार्क्स स्कोर किए, ये देख रहे हो ये 2-2 मार्क्स थे मुझे सिर्फ 1-1 ही मिले, क्योंकि मेरा जो रीज़न था वो वैलिड नहीं था, वो सही नहीं था। तो आप ये जरूर चेक करके जाइएगा कि आपको रीज़न वहाँ पे लिखने कैसे हैं, कि किस तरीके से लिखना, कितना लॉन्ग होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए, कितना क्रिस्प में होना चाहिए, आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, मैंने तो स्कोर किया नहीं बट ये स्कोरिंग होता है। सेकंड जो है इसमें 14 मार्क्स का था, इसमें से मैंने 3 मार्क्स स्कोर किया है, 2A में मुझे 1 मिला है जो कि 4 मार्क्स का था, 2B में मुझे 4 मार्क्स का था जो 2 मिला, बस इन्हें मुझे मिला ही नहीं, गलत है। थर्ड मैंने मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आपको एक छोड़ने का ऑप्शन मिलता है ना, कोई छोड़ दीजिए, तो थर्ड मैंने छोड़ दिया था। फोर्थ में 14 मार्क्स का था जिसमें से मैंने 9 मार्क्स स्कोर किया, जो 4 में से इसमें 4A में मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं, 4 में से 4 मिले, ओके। फिर 4B में मुझे 4 में से 1 मिले हैं, 4C में 3 में से 1 मिले हैं, ये मतलब मैंने आंसर्स को जो है ना ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया 60 हाँ एक थोड़ा मैंने, तो ये है ना कि मैंने आंसर मैंने मार्क्सों को ना यहाँ यहाँ से जोड़ने की कोशिश करी है, अगर कहीं से भी मुझे हो सकता था कि हाँ यहाँ से मैं स्कोर कर सकती हूँ, तो पहले तो मैंने सबको अटैम्प्ट किया। फिर स्टेप मार्किंग का फ़ायदा मैंने बहुत अच्छे से उठाया है, क्योंकि हर जगह मुझे स्टेप्स के ही मार्क्स मिले हैं, कोई भी ऐसा आंसर्स है नहीं सिर्फ एक है, उसको छोड़ के किसी में मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ये कहते हैं ना कि आंसर्स अटेम्प्ट करने से क्या होगा जब आता है ये होगा, अगर कोई भी एक स्टेप सही है ना तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, तो मेरे स्टेप्स जुड़ जुड़ के मेरे ये 27 मार्क्स आए। तो ये था मेरा आंसर शीट का रिव्यू, ऑडिट आंसर शीट का रिव्यू, पता नहीं आप लोग कुछ फिगर आउट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने फिगर आउट करी जो शायद आपको भी जानी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, मतलब मैंने अच्छे से नहीं लिखा, मेरी हैंड राइटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं है, अगर अच्छी नहीं है तो हर कोई इसको इम्प्रूव कर सकता है, मैं भी इम्प्रूव करूँगी। सेकंड चीज़ मुझे अच्छी लगी जो मैंने ऊपर वो जो आंसर लिखे डब्बे में बना के बॉक्सेस में बना के, कि चेकर को जो लगता है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ढूंढना नहीं पड़ता कि आंसर किस चीज़ का है, तो इससे ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, वरना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप ऐसा मौका ही ना दो ना, और वो प्रेजेंटेबल भी लगता है। थर्ड चीज़ ये है कि आप अगर आपको भी मेरी तरह ऑडिट का फोबिया हो या किसी भी सब्जेक्ट में फोबिया हो तो आप सिर्फ 70% 80% सिलेबस पूरा कर लीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में लगी थी, बट ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो 80% या 70% पूरा कर लीजिए, और ऐसा कीजिए ना कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आई एबल टू सॉल्व दैट आंसर। तो भागने की ज़रूरत नहीं है, आप कम कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। फोर्थ चीज़ ये थी कि
स्टेप मार्किंग, अगर स्टेप मार्किंग होती है तो उसका फायदा उठाइए। अगर आपको आंसर अच्छे से नहीं आता है तो जरूरी नहीं आपको उसको स्किप करना है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। चाहे नहीं भी आता तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है और उसका फायदा हमें उठाना है। आपने देखा होगा कि मुझे कितना स्टेप मार्किंग का फायदा हुआ, क्योंकि मुझे सब में सिर्फ स्टेप के ही मार्क्स मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो कि एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है और एक AIR में क्या फ़र्क होता है। बट एक चीज़ है कि आप कितना भी वीडियोज़ देख लेना कि एक AIR की कॉपी कैसे होती है, हमें प्रेजेंट कैसे करना है, आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि आपको आपका पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे से प्रेजेंट कर लो ना आंसर शीट को, अगर आप आंसर्स को, बट अगर आपका आंसर ही गलत है तो क्या फ़ायदा होता है प्रेजेंटेशन का। तो मेन फर्स्ट फोकस कीजिए कि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा होना चाहिए, या जितना हुआ है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि आप लिख सको कुछ भी। हैंड राइटिंग आपका बाद में मैटर करता है, आपका जो है प्रेजेंटेशन बाद में मैटर करता है, आपका जो है सिर्फ नॉलेज मैटर करता है। आपके आंसर्स 80 प्लस आ जाएंगे अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं है, 80 प्लस आराम से आ जाएंगे। बट मेन चीज़ ये है कि आपको वो आंसर्स आने चाहिए, आपने जो लिखा है वो अपने नॉलेज के बिहाफ पे लिखा है कि आप पढ़ के गए हो। आपको अच्छा पेपर प्रेजेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके आंसर्स ही गलत है तो।